नमस्कार, मैं सुरेश शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। और आज से एक और नई चीज उसके अंदर जुड़ गई है, न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, नंबर्स। न्यूमरोलॉजी में जहां पर भी बात आती है, एट द एंड नंबर्स के ऊपर ही सारा खेल होता है। अब ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स हमारा पीछा कहीं पर भी छोड़ते नहीं है। जहां भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, हरेक में नंबर हमारी लाइफ में बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म कोई एक घर में होता है, तो जन्म से उसको जो घर मिलता है वो घर का भी एक नंबर होता है। 101, 201, 1101, वो एक नंबर हो गया। तो सबसे पहले उसके ऊपर इफेक्ट वहां से होना शुरू होती है। जन्म जिस दिन होता है उस दिन की भी कोई एक पर्टिकुलर डेट होती है, वो डेट के भी नंबर्स होते हैं। वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे वो नंबर्स काम करते हैं और वो नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जिस दिन जन्म होता है उस दिन के नंबर्स, जन्म होने के बाद में घर पे रहता है, छोटा है, भी स्कूल भी नहीं गया, लेकिन जो घर में रहता है वो घर का नंबर, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाना चालू करता है, स्कूल में आ गए रोल नंबर, स्कूल के बाद कॉलेज में आ गया। अभी आज के जमाने के अंदर छोटे बच्चों के हाथ में स्कूल में ही मोबाइल आ जाता है, लेकिन फिर भी हम मोबाइल नंबर को वहां पर कंसिडर ना करें तो एटलीस्ट कॉलेज में तो मोबाइल उनके पास आ ही जाता है, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, तो वो एक नंबर की इफेक्ट वहां से शुरू हो जाती है। जब तक पढ़ाई करते हैं हर एक स्टैंडर्ड में कोई ना कोई रोल नंबर उनका होता है, मोबाइल नंबर हो गया। व्हीकल लेता है तो व्हीकल का नंबर, गाड़ी ले ली, कार गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया तो उसका नंबर। बैंक में अकाउंट खोलता है, 18 साल का होता है, बैंक में अकाउंट खोलता है, बैंक का एक नंबर। पैन नंबर आ गया। नंबर आप देखो कहां कहां इंसान के पीछे पड़े रहते हैं, नंबर कभी भी पीछा छोड़ते ही नहीं है इंसान का। अब ये जो हर एक नंबर है, ये नंबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट के साथ में कनेक्टेड है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं। वैसे नंबर अनगिनत है, बट वो हर एक जो भी नंबर हमारा है उसको हमको टोटल करके एक सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आना होता है, और वो सिंगल डिजिट 1 से लेकर 9 में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। और ये जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 नंबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट के साथ में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो नंबर है, वो नंबर से हमें प्लैनेट की कॉस्मिक एनर्जी मिलते रहती है। प्लैनेट की कॉस्मिक एनर्जी हमें रत्न पहनने से मिलती है, क्रिस्टल पहनने से मिलती है, अलग अलग और भी तरीके हैं। उसमें से एक ये तरीका है कि प्लैनेट की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें लेनी है, हमारे रुके हुए काम, हमारे चल पड़े, कहीं पर अटक रहे हैं तो वो बाधाएं दुविधाएं दूर हो जाए, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमें हेल्प करती है वो हमें नंबर के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हमारा जो नाम है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नाम के जो अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स भी वापस कहीं ना कहीं कोई नंबर के साथ में कनेक्टेड है, और उसी नंबर के हिसाब से, उसी के टोटल के हिसाब से वापस हमारे नाम का भी एक नंबर बनता है, और वो नंबर फिर से चेक किया जाता है कि कौन से प्लान के साथ कनेक्टेड है। तो इन शॉर्ट, नंबर नंबर एंड नंबर, हर जगह पे नंबर है, हर जगह पे नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब ऐसे केस के अंदर 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसान के जीवन के अंदर। सबसे पहला बर्थ लाइफ नंबर, दूसरा लाइफ पाथ नंबर, और तीसरा कुआ नंबर। बर्थ नंबर जो है उसको हम मूल्यांक नंबर कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर जो है वो हम उसके हम भाग्यांक नंबर कहते हैं, और तीसरा जो है वो कुआ नंबर है, कुआ नंबर को हम कुआ नंबर ही कहते हैं। तो आज ये 3 नंबर कैसे कैलकुलेट करना वो उसके ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर उसमें ये 3 नंबर की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आपकी खुद की बर्थ डेट के हिसाब से आपके खुद के बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, मैं जैसे कि मैं आने वाले वीडियो में एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ कि कौन सा आपका नंबर है तो आपको कौन से प्रोफेशन के अंदर काम करना चाहिए तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा बेस्ट सुटेबल एंड फेवरेबल प्रोफेशन आपके लिए है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब तक आपके पास ये नंबर्स नहीं होंगे तो वो नंबर के ऊपर आप, मैं जो आपको बताऊंगा वह बराबर समझ नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेक करना है कि आपका आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, तो उसके लिए कुआ नंबर की हेल्प लगती है। तो अगर आपने वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया होगा, आज का वीडियो बराबर समझा नहीं होगा, तो आप कुआ नंबर नहीं निकाल पाएंगे, और फिर आप 2024, 2025, 2028 कोई भी साल का प्रेडिक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये नंबर से हमें ये भी पता चलता है जिस जो सब्जेक्ट है
न्यूमरो वास्तु का। ये नंबर से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जीवन में कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है, हमारे जीवन के अंदर कौन सी एलिमेंट की कमी है, और ये नंबर से पता लगाने के बाद उसकी रेमेडीज, उसका उपाय करके भी हम बहुत सारी हमारी हर्डल्स, हमारी बाधाएं, हमारी तकलीफें, हमारे प्रॉब्लम हम लोग दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं बर्थ लाइफ नंबर से। बर्थ लाइफ नंबर मतलब जिस दिन वो व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन की जो डेट है उसको बर्थ लाइफ नंबर कहते हैं। यहां पर एग्जांपल के लिए हम लोग एक नंबर लेंगे, जैसे 31 दिसंबर 1965, ये एक बर्थ डेट है। अब इसके अंदर ये जो पहले दो डिजिट है, फर्स्ट टू डिजिट मतलब जो दिन होता है, अगर ये डेट को मैं डीडी एमएम वाई 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 ये फॉर्मेट के अंदर मैं लिखता हूं, तो 31st यानी जो दिन है, वो दिन के जो दो नंबर है, जो दो डिजिट है, उसका टोटल जब हम करेंगे तो हमें बर्थ लाइफ नंबर मिलता है। यहां पर 3+1 तो बर्थ लाइफ नंबर कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर को बर्थ लाइफ नंबर के सिवा हम मूल्यांक नंबर भी कह सकते हैं। अब जो 4 नंबर वाले लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका नेचर कैसा होता है, किस प्रकार के लोग होते हैं, उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं मेरी फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स है उसके अंदर मैंने 1 से लेकर 9 नंबर तक के सभी नंबर्स के लिए, चाहे मूलांक नंबर हो चाहे भाग्यांक नंबर हो, सभी नंबर्स के लिए मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर और उसके उपाय रेमेडीज के बारे में मैंने बताया हुआ है। वो चीजें मैं यहां पर नहीं बताने वाला हूं क्योंकि टॉपिक अलग हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे ये वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बतानी है जो मैं 1-1 मिनट की रील के अंदर नहीं बता सकता हूं, जो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूं, प्रॉपर समझा सकूं, वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो आप 1 से लेकर 9 नंबर तक जो भी बर्थ डेट है, जो भी मूल्यांक नंबर है, जो भी भाग्यांक नंबर है, उसके बारे में आपको अगर जानना है आपके खुद के बारे में या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स के बारे में, तो वो मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हर एक नंबर के लिए मैंने रील अलग अलग बनाए हुए हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये 4 नंबर हो गया। अब दो तरीके से मूल्यांक नंबर काम करता है, एक होता है 04 यानी किसी महीने की 4 तारीख को किसी का जन्म होता है, वो एक बात है, इसका भी मूल्यांक नंबर तो 4 ही आएगा, और यहां पर 31 तारीख को जन्म हुआ है, या उसी तरीके से 22 तारीख को भी किसी का जन्म होता है, तो इसका भी मूल्यांक नंबर 4 होगा, इसका भी मूल्यांक नंबर 4 होगा, लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा। अब जिसका जो बर्थडे 04 है, ये लोग प्योर 4 नंबर की क्वालिटी वाले लोग हैं, एकदम प्योर क्वालिटी, उसके अंदर कोई मिलावट, कोई मिक्सिंग, कुछ भी नहीं है, बेल जैसा कुछ नहीं है, प्योर प्योर 4 नंबर है 04, क्योंकि इसके अंदर 4 के सिवा और कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन ये 3+1 है, जो जिसका जन्म 31 पे हुआ 3+1, तो क्या हो गया 3+1 यानी 4, तो इसके अंदर ये 3 नंबर का जो क्वालिटी है वो भी है और 1 नंबर का क्वालिटी है वो भी है, तो ये 4 नंबर वाला कॉम्बिनेशन है, इट्स अ मिक्सिंग ऑफ 3 एंड 1, तो इनके अंदर 3 तरीके से क्वालिटी पाई जाएगी, 3 नंबर वाली, 1 नंबर वाली और 4 नंबर वाली। उसी तरीके से यहां पर 2+2 है, 22 है, तो 2+2, तो इनके केस में हमें 2 नंबर की क्वालिटी बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगी, क्योंकि 2 और 2 आ गया, 2 रिपीट हो गया 2 बार, तो 2 की क्वालिटी और 4 की क्वालिटी, हालांकि मूल्यांक नंबर तो सेम ही है, तो इसमें प्रिडिक्शन में भी काफी फर्क पड़ जाता है, जो प्योर 04 वाले है या फिर जो 2+2 वाले है, जो 3+1 वाले है, उसमें प्रिडिक्शन के अंदर काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि उस हिसाब से वो व्यक्ति का नेचर रहता है, उस हिसाब से वो व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक रहती है, उस हिसाब से उसको उपाय भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये बात कह दी मैंने मूल्यांक की। आज का जो टॉपिक है बर्थ नंबर, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, मूल्यांक कैसे कैलकुलेट होता है, मूल्यांक नंबर कैलकुलेट होता है किसी भी बर्थ डेट के फर्स्ट 2 डिजिट को टोटल करके उसको कैलकुलेट करके। अब बात करते हैं, ये बर्थ नंबर हो गया, अब बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर की। लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर, इसका नाम ही है लाइफ पाथ, यानी लाइफ मतलब जीवन, पाथ मतलब रास्ता, आपके जीवन का रास्ता कैसा रहेगा उसके बारे में आपको आपका लाइफ पाथ नंबर बताता है। अब लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम पूरी बर्थडेट की टोटल करते हैं, पूरी बर्थडेट की टोटल,
तो हमें जो मिलता है नंबर वो होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। ये केस के अंदर पहला पहला दो डिजिट का टोटल तो हमने कर लिया वो है 4, दूसरे दो डिजिट का यानी दिसंबर महीना है तो 12 1+2 तो उसका टोटल हो गया 3। यहां पर 1965 है तो 10 16 एंड 11, अब क्या हो गया 10 16 और 5 11, अब 11 को वापस मुझे सिंगल डिजिट पे लाना है तो क्या हो गया 2, तो 4+3+2 अब कौन सा नंबर मिला 4+7 4+3 7 एंड +2 तो नंबर जो मुझे मिला वो है 9। तो ये बर्थ डेट का मूलांक नंबर हो गया 4 और इसका भाग्यांक नंबर हो गया 9। अब ये दोनों नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के। आज मैं आपको एक टिप भी दे देता हूं न्यूमरोलॉजी की ये वीडियो के साथ साथ में। हमारे हर जगह पे अलग अलग अकाउंट होते हैं, अलग अलग व्हीकल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया व्हीकल में, मोबाइल नंबर में, बैंक में, एक्स वाई जेड, तो जहां पर भी पॉसिबल हो आप नंबर चेंज कर सकते हो या आपके बस में है वो नंबर कि भाई आप रिक्वेस्ट करो और वो नंबर का पर्टिकुलर अकाउंट आपको मिले, वो नंबर की पर्टिकुलर गाड़ी आपको मिले। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो आपको दो चीजों के ऊपर ही ध्यान देना है। जैसे ये एग्जांपल के अंदर या तो वो ऐसा कोई नंबर ले जिसका टोटल या तो 4 हो या फिर जिसका टोटल 9 हो, क्योंकि ये दोनों नंबर ही इनके लाइफ का सारा कंट्रोल लेके बैठे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि ये 4 और 9 ये दोनों में से ज्यादा प्राधान्य ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, वो भी एक अलग सवाल है। तो ऐसे केस में हमें एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैंने पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आपको अगर आपकी बर्थडे का एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करवाना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट अगर आपको उसका पैसा नहीं खर्चना है कंसल्टेशन का, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी मूलांक नंबर है, आपका जो भी भाग्यांक नंबर है, उसके हिसाब से या तो आप वो नंबर पसंद कीजिए जिसका टोटल 4 होता हो, ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसा बैंक अकाउंट नंबर, जो नंबर आपके बस में है चेंज करना, नहीं है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसका 4 हो या फिर 9 हो। तो ये नंबर की पावर आपको बहुत ही हेल्प करेगी और इससे आप काफी फर्क महसूस करोगे अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर। और आज का जो तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वो है कुआ नंबर। और ये कुआ नंबर आपको बहुत जगह पे हेल्पफुल होगा। मेरा जो एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उसी तरीके से एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ जहां पर मैं ये लोशु ग्रिड के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये लोशु ग्रिड से आपको पता चलेगा कि कौन सा डिरेक्शन के अंदर आपका प्रॉब्लम है। जैसे कि यहां पर मैंने सब नंबर लिखे है, मान लो आपकी बर्थ डेट का आपने टोटल कर दिया, मैंने आपको बताया पास लाइफ पास नंबर, मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, कुआ नंबर, सब मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपने सब नंबर निकाला। और उसमें फॉर एग्जाम्पल यह आया कि आपके ये जो न्यूमरोलॉजी की ये जो कुंडली है, मैं इसको एक तरीके से कुंडली बोल सकता हूँ, न्यूमरोलॉजी की कुंडली, हालांकि ये कुंडली है नहीं, पर समझने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, तो ये सब मैंने बनाया और आपकी कुंडली में फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर मिसिंग है, तो तुरंत ही इससे पता चल जाएगा कि 8 नंबर से जुड़ा हुआ जो डिरेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर प्रॉब्लम होगा। 8 नंबर से जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है उससे कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर उससे संबंधित प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर होगा, उसके रिलेटेड जो डिजीज है, हेल्थ इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर होंगे। काफी सारी चीजें आपको ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी की इतनी छोटी सी कुंडली बनाने से आपको पता चल जाए। प्लस जैसे मैंने कहा 2024 का प्रेडिक्शन चाहिए, 2028 का चाहिए, वो साल कैसा रहेगा, उसके लिए भी ये कुंडली की बहुत आवश्यकता है। और ये कुंडली आप तभी बना सकोगे, इसको तभी समझ पाओगे कि जब आपने प्रॉपर समझा होगा कुआ नंबर कौन सा है, कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुआ नंबर की। यहां पर मैंने एक अलग डेट ऑफ बर्थ ली है आपके समझने के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1976। अब रिपीट एक बार शॉर्ट में कर देता हूं, मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर। इसका मूलांक नंबर क्या हो जाएगा, 4+1 5, इसका मूलांक नंबर हो जाएगा। और पूरी बर्थ डेट का जो टोटल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, भाग्यांक नंबर। अब बात करते हैं कुआ नंबर की। कुआ नंबर में मेल और फीमेल ऐसे दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, हालांकि बर्थ नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर में ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। जिसका जो भी दिन बर्थडे है सिस्टम मैंने समझाई उसी तरीके से होता है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बट कुआ नंबर के अंदर क्या करना होता है, हमारी जो बर्थडे है किसी भी व्यक्ति की, उसके लास्ट 4 डिजिट यानी कि YYY, यहां पर हमने डीडी लिया था, यहां पर हमको क्या लेना है, YYYY, यानी कि ये जो ईयर है
उसको हमें काउंट करना है, सिर्फ आगे के चार डिजिट को काउंट नहीं करना है। ये ईयर को काउंट किया तो ईयर क्या आ गया 1976। अब 1976 का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 23, तो उसका टोटल क्या हो गया 2 + 3 = 5। तो आपके पास आपके तीन नंबर आ गए, पहला नंबर आया बर्थ नंबर, दूसरा आया लाइफ पथ नंबर और तीसरा आया आपका कुआ नंबर। अब कुआ नंबर ये जो फाइव आया उसको क्या करना है, अगर मेल है तो मेल को 11 नंबर, ये बाय डिफॉल्ट है। अब ये कहां से आया उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला है। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर O2 = ऑक्सीजन। अब वो साइंटिस्ट ने सब रिसर्च किया हुआ है कि वो कहां से आया कैसे, हमको समझ जाना है कि O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से 11 नंबर कहां से आया उसके ऊपर रिसर्च बहुत हो चुका है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत कर दिया, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। 11 नंबर, इसके सिवा ये जो आपको ऊपर का 5 नंबर मिला, ये 5 नंबर को अगर आप मेल है तो आपको 11 में से ये 5 नंबर को माइनस करना है और जो नंबर मिलेगा वो होगा आपका कुआ नंबर। तो यहां पर मेल के लिए कुआ नंबर अलग होगा यानी कि 6 होगा, और फीमेल है तो उसको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट 4 है, यहां पर 11 है लेकिन यहां पर 4 है, 4 प्लस जो लास्ट नंबर मिला 1976 का टोटल करके आपको जो 5 मिला वो, तो 4 + 5 = 9। तो यहां पर ये कुआ नंबर फीमेल के लिए क्या आ गया 9। तो जिसकी बर्थडे 14 मार्च 1976 है उसके केस में अगर वो मेल है तो कुआ नंबर 6 एंड अगर फीमेल है तो कुआ नंबर 9। तो आप आपकी बर्थडे का इसी तरीके से मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर और कुआ नंबर निकाल के रेडी रहिएगा। नेक्स्ट 2, 3, 4 अलग अलग न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें क्या क्या आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है तो रिपीट नहीं करता हूं। बट ये तीनों नंबर आपने फाइंड किया होगा, आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा और आप अपने खुद के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जान पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि मैं अलग अलग और भी नए वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।